एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी सुबह का टाइम है, चाय वगैरह पीने के बाद मैं अभी ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। पहले मॉर्निंग में हमारा ब्रेकफास्ट बनता है, मेरे हस्बैंड ब्रेकफास्ट करके ऑफिस जाते हैं तो उनके लिए पहले ब्रेकफास्ट बनाना पड़ता है। तो ब्रेकफास्ट बनाने के बाद मैं बाकी जो भी काम करती हूँ घर का, तो आज मैं ब्रेकफास्ट में इडली के साथ ये आलू मटर की सब्ज़ी बना रही हूँ। ये आलू मटर की सब्ज़ी मैं बहुत बार आप सबके साथ शेयर कर दिया था, तो इसीलिए आज अच्छे से शेयर नहीं कर रही हूँ। और ये देखिए, ये इडली का बैटर मैं कल से रेडी करके रखा था, ये बहुत अच्छे से फूल गया है। तो मैं अभी गर्मा गर्म इडली बनाऊंगी और मेरे हस्बैंड को खाने के लिए दे दूंगी, वो खा कर ऑफिस चले जाएंगे। उसके बाद मैं बाकी घर का काम करूंगी। तो ये देखिए, बहुत ही सॉफ्ट गर्मा गर्म इडली के साथ ये आलू मटर की सब्ज़ी बहुत ही यम्मी बना है। और आज का ये हमारा हेल्दी सा ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट बनाने के बाद पूरा किचन ना बिल्कुल फैल गया था। और आज देखिए कितने सारे बर्तन एक साथ निकले हुए थे, तो सारे बर्तन को साफ़ करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। और ये जो बर्तन रखने की बास्केट है ना, इसमें बिल्कुल जगह नहीं हुआ, तो मैं बहुत सारे बर्तन को नीचे रख दिया है। और ये कुछ कंटेनर्स को भी आज मैंने साफ़ किया है। तो ये सारे बर्तन जब अच्छे से सूख जाएंगे तो मैं उसको उसकी सही जगह में रख दूँगी। तो ये देखिए, ये है हमारे गांव के नींबू, बहुत सारा नींबू हुआ है इस साल। समर सीजन में ज़्यादातर बहुत ज़्यादा नींबू हो जाता है, तो मेरे मम्मी मेरे लिए बीच बीच में इसी तरह से ढेर सारा नींबू भेज देती है। तो ये सारे नींबू को मैं अच्छे से धो के रख दिया है, ये सारे सूख जाने के बाद मैं उसे फ्रिज में स्टोर करके रख दूँगी।
तो मेरा मॉर्निंग का सारा काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था और घर की साफ़ सफाई के साथ साथ इंडोर प्लांट्स में थोड़ा सा पानी भी डाल दिया और सांस लेने के बाद पूजा वगैरह भी ख़त्म कर लिया है। और अभी लंच बनाने के लिए मैं यहाँ कुछ मशरूम को साफ़ कर रही हूँ क्योंकि आज लंच पे राइस के साथ मशरूम करी बनेगा और उसके साथ दाल बनेगा। तो अभी मैं यहाँ राइस को चढ़ा लिया है और मशरूम को अच्छे से साफ करके मैं यहाँ फ्राई कर रही हूँ। उसके बाद मैं मशरूम करी बनाऊँगी। तो करी बनाने के लिए मैं यहाँ कढ़ाई में थोड़ा सा तेल लिया है। तेल गर्म हो जाने के बाद मैं उसमें एक तेज़पत्ता, एक दालचीनी का टुकड़ा, एक इलायची और कुछ ब्लैक पेपर भी डाल दिया है और उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा जीरा भी डाल दूँगी। तो जीरा थोड़ा सा चटक जाने के बाद मैं इसमें कुछ अदरक और लहसुन को भी डाल दूँगी। अदरक और लहसुन को हल्का सा फ्राई करने के बाद मैं इसमें कटा हुआ प्याज को डालूंगी और उसके बाद कुछ कटा हुआ टमाटर को भी डाल दूंगी। प्याज और टमाटर हल्का सा फ्राई हो जाने के बाद मैं इसमें कुछ काजू को भी ऐड कर रही हूँ। इसे भी हम मसाले के साथ फ्राई करेंगे। तो सारे मसाले अच्छे से फ्राई हो जाने के बाद हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ये सारे मसाले को ठंडा होने के लिए देंगे और ठंडा होने के बाद हम इसे मिक्सी में पीस लेंगे और इसका एक अच्छा सा पेस्ट तैयार करेंगे और उसके बाद हम करी बनाना शुरू करेंगे। तो मैं उसी कढ़ाई में थोड़ा सा तेल लिया है और तेल गर्म हो जाने के बाद मैं इसमें एक तेज़पत्ता और कुछ जीरा को भी डाल दिया है। तो जीरा थोड़ा सा चटक जाने के बाद हम जो मसाला तैयार करके रखे थे उसे कढ़ाई में डाल देंगे और अच्छे से फ्राई करेंगे। ये मसाला फ्राई होने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लेता है क्योंकि पहले से ही ये सारे फ्राई किया हुआ चीज़ों से बनाया गया था। और अभी हम इसमें सारी रेगुलर की पाउडर मसाला ऐड करेंगे जैसे कि रेड चिली का पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर। और अभी इसी मसाला में हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक भी ऐड कर देंगे। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे। तो थोड़ी देर के बाद ये देखिए ये मसाला बहुत अच्छे से बनकर रेडी हो गया है। इसमें से ऑयल भी बिल्कुल सेपरेट हो गया है। तो अभी हम इसमें फ्राई किया हुआ मशरूम को ऐड कर देंगे। आप चाहे तो पहले से भी मशरूम में कॉर्नफ्लोर डाल के अच्छे से डीप फ्राई कर सकते हैं और उसके बाद ये करी तैयार करेंगे तो और भी अच्छा लगेगा, लेकिन मुझे ज़्यादा तेल पसंद नहीं इसीलिए मैं ऐसे ही सिंपल बना रही हूँ। और अभी मैं इसमें कुछ ग्रीन मटर को भी ऐड कर दूँगी। तो ग्रीन मटर को और मशरूम को अच्छे से मसाले के साथ मिक्स करने के बाद हम इसे फिर से थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे ताकि इसके अंदर मसाला अच्छे से जा पाएगा। तो थोड़ी देर के बाद हम ग्रेवी के लिए इसमें पानी भी ऐड कर देंगे। पानी आप अपने हिसाब से लें।
और लास्टली हम इसमें ऐड करेंगे कुछ गरम मसाला का पाउडर और कुछ कसूरी मेथी। और इसे भी अच्छे से मिक्स करके इसे थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे ताकि इसका फ्लेवर अच्छे से करी के अंदर आएगा। और थोड़ी देर के बाद ये देखिए, ये करी बिल्कुल बनकर रेडी हो गया है और इसका कलर देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। तो आप इसे रोटी चावल जिसके साथ भी खाए बहुत टेस्टी लगता है। तो ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप सबको ये रेसिपी कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।